The second accounting system you are going to study, that is known as cost accounting. So, like if you see the medical profession, you have the specialist of orthopedician, then you have the specialist of gynec. So in the same way, when we talk about the accountancy, one particular professional cannot do all the job. So we are using it financial accounting for last 600 years, but after that we could realize that we need some accounting system which can calculate the cost of the product and services, and that is known as cost accounting. So usse hum log kya bolte hain, cost accounting system bolte hain. To dekho, cost accounting mein four function you need to do. So you need to do the four functions. So what is the first function? You call as costing. Costing is a simple process through which you calculate the cost of the product. Then you do some cost accounting. So we do the accounting of cost. Then we talk about the cost control, and we talk about the cost reduction. So these are the main four functions we are having, but primarily our job starts with the identification of cost. So we call as that we are having three different types of cost. So one is your material cost, and one is your labor cost, and one is your expenses. Whatever you manufacture or whatever the kind of services you give, aapke paas teen hi tarah ka cost hoga. Either you will have the material cost, or you will have the labor cost, or you will have the expenses. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेबर ज़्यादा लगाएंगे तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा, मशीन कम लगाएंगे तो एक्सपेंडिचर कम होगा, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम रखेंगे तो लेबर कॉस्ट कम होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, अगर सर्विस इंडस्ट्री चलाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट कम होगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, कम ज़्यादा होगा, और यही तीन कॉस्ट होगा. इसको देखो, फर्दर क्लासीफाई किया गया कि दे इज गोइंग टू बी योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एंड देर इज गोइंग टू बी योर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. देखो, प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है. आप इधर एडमिशन लोगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है. लेकिन जो पंपलेट्स आपको दिए गए, जो अचीवर्स क्लासेस के पोस्टर्स चिपक रहे हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, या जो स्टेशनरी यूज़ किया जा रहा है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ. अगर मैं अभी अपने डिजिटल सिस्टम ऑफ टीचिंग की बात करूँ तो ये कॉपी मेरी डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ हो रहा है टीचिंग में. लेकिन जो ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ हो रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा. वैसे ही लेबर कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, देयर इज़ अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड देयर इज़ ए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो वैसे लेबर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में लग रहे हैं, जैसे अगर आपको पढ़ाने की बात कही जाए तो मेरी जो सैलरी होगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, लेकिन जो बाकी स्टाफ हैं उनकी सैलरी क्या होगी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी. और अगर कोई मैं रॉयल्टी वगैरह पे कर रहा हूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा. उसको छोड़कर ये रेंट वगैरह जितने होंगे, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे. अब सारे डायरेक्ट को जोड़ दोगे तो ये क्या बनकर आएगा, तो ये बनकर आएगा प्राइम कॉस्ट. क्या बनकर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्राइम कॉस्ट. और सारे इनडायरेक्ट को जोड़ दोगे सो दिस विल बी नोन एज ओवरहेड्स. इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स. ओवरहेड्स तीन तरह का होगा, फैक्ट्री ओवरहेड,
ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको नोट कीजिए। इसको हम कंपोजिशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। आप क्या बनाना सीखोगे? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वी कॉल एज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सो वी कॉल एज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो जी, इसमें क्या क्या डिटेल्स हम नोट करते हैं। सो देयर विल बी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सो देयर इज गोइंग टू बी योर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट एंड अमाउंट। सो वी आर हैविंग इज योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वी आर हैविंग इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एंड वी आर हैविंग इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड वी आर हैविंग इज योर एक्सपेंसेस ऑन परचेज। सो दिस कम्स टू योर प्राइम कॉस्ट। This comes to your prime cost. So you will add factory overhead. So you will add factory overhead. So this is known as factory cost. You will add office and administration overhead. It is known as cost of production. You will add selling and distribution overhead. It is known as cost of sales. You will add profit, deduct the losses. This is known as sales. तो इसे हम सेल्स बोल रहे हैं। तो इट इज अ स्मॉल कॉस्ट शीट। हियर वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट एनीथिंग अबाउट स्टॉक, बट एज यू मैन्युफैक्चर you get three kind of a stock. The one is called raw material stock, second is called work in progress stock, and third is called finished goods. So we are having three kind of a stock. So if you are having like
opening raw material stock, at the end you are having closing raw material stock. You are having opening WIP stock, at the end closing WIP stock. You are having opening finished goods, closing finished goods. Okay, so dekho, up where you treat the raw material, you treat the raw material stock over here, you treat the WIP stock, WIP ka matlab hota hai semi finished stock over here, and you treat the finished goods over here. Okay, so we will prepare a bigger cost sheet. Where we will have everything. So particulars, amount. First of all, raw material consumed. So it is called opening raw material stock plus purchases minus closing raw material stock. Then there is going to be direct wages, then there is going to be direct expenses, then expenses on purchase. So this comes to prime cost. You will add factory overhead, you will add opening WIP stock, you will deduct closing WIP stock. It is called factory cost. You will add office and distribution overhead. It will be known as cost of production. Okay, kind of your. Okay. So it is cost of production. Then particulars, amount. Cost of production, then we'll add opening finished goods minus closing finished goods. This is called cost of goods sold. Then you add selling and distribution overhead. This is going to be your cost of sale. Then you add profit, deduct loss. That is going to be your sales.
ओके तो देखो बुक जो आपको प्रेफर करनी है लेनी है वो लिख लो कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो आपने लेनी है एमएन अरोरा या सो एमएन अरोरा की बुक लेनी है। आप पड़ोस में रहती हो, कल 9 बजे से बैकअप क्लास है मॉर्निंग में, एक मिनट 9 o'clock से 6 p.m. तक, ठीक है, सॉरी 9 to 11, तो एक दो बच्चे और आ रही है, तो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल मॉर्निंग में 9 बजे से आ जाइए, ठीक है जी। एम एन अरोरा की बुक आपको लेनी है।